तो फाइनली आ चुके मासूम राजा अजय देवगन की सिंघम अगेन एंड कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 3 के एक और एपिसोड में वापिस। ऑफलाइन प्रमोशन है वो देखने वाले हैं बोथ। एंड क्या भाई चल रहा है एज ऑफ नाउ सोशल मीडिया में, हाइप की बात है वो करने वाले हैं। इवन कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 की बात करें भाई, वो बंदा जिस लेवल का एज ऑफ नाउ हमें प्रमोशन वो देखने को मिल रहा है वो बंदा कर रहा है भाई, आउटस्टैंडिंग। इवन जिस तरह हमें पब्लिक है वो देखने को मिल रही है, दिखाऊंगा भाई तस्वीरें, आप ही सर पकड़ लोगे भाई। सिंघम गेन हमने अजय के टाइम तो देखा था और यहाँ पे सीन कुछ अलग ही चल रहा है, चाहे मेकर्स पोस्टर कम लगा रहे हैं बट प्रमोशन हमें बाप लेवल का देखने को मिल रहा है। देखो भूल भुलैया 3 इतनी बड़ी फिल्म है, ऊपर से मेकर्स को पता भाई सामने सिंघम अगेन है एंड हमें भी दिमाग की तरह प्रमोशन है वो करना होगा, जो कि भाई ऐसा हमें देखने को मिल भी रहा है। बट सबसे पहले हम सिंघम अगेन की बात है वो करने वाले हैं, बट उससे पहले आपको क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुकिंग भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन, डे वाइज कलेक्शन रिपोर्ट्स हो गया एंड साथ में रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। एंड जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस लेटेस्ट वीडियोस के लिए। नंबर वन सिंघम अगेन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले सिंघम की बात करें जिसको री रिलीज है वो किया गया था भाई, बुक माई शो में रेटिंग भाई इतनी ज़्यादा क्यों गिर रही है, सडनली हमें भाई बड़ा यहाँ पे गिरावट है वो देखने को मिल रही है। रिलीज से पहले नियरली 8 के आसपास हमें रेटिंग देखने को मिली थी बट एज ऑफ नाउ 6.34 के आसपास है भाई, वो जा चुकी है। इतनी पब्लिक भाई थिएटर तक नहीं आ रही एज अ फुटफॉल्स की बात करें जितना भाई बुक माई शो में जाके रेटिंग गिराने में लगे हुए हैं। भाई कौन है ये लोग भाई, कहाँ से आते हैं? हमने देखो बड़े बड़े स्टार नो डाउट भाई इनके हेटर्स भी होते हैं, हमने अक्षय के भी देखे, देखो अजय तो काफ़ी कम ही उनकी फिल्में आती हैं एज अ जो प्रमोशन करे वो, यहाँ पे एज अ ऑनलाइन की बात करें बोला के बाद हम जितनी पिक्चरें आई अब तक की अजय देवगन की बात करें ज़्यादा भाई उन्हें प्रमोशन भी नहीं किया और हम भाई ज़्यादा हेटर्स भी नहीं दिखते हैं, बट एज अ नो की बात करें भाई उनके हेटर्स क्या चल रहा है भाई, ये रेटिंग ऑलमोस्ट अच्छी खासी भाई वो गिरा चुके हैं एंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंघम 1 किस तरह थी एंड ये अभी सिंघम 3 ला रहे हैं। चलो भाई ठीक है, जो आपको सही लगे करते रहो बट सिंघम 3 मेरे भाई एक बड़ी फिल्म रहने वाली है, मैं अब भी से बोल रहा हूँ एंड वीकेंड में ये फाड़ने वाली है, चाहे रिव्यू अच्छे निकल के सामने आए या फिर ना आए, हाँ आफ्टर वीकेंड वर्ड ऑफ माउथ रिव्यू काम करेगा बट फर्स्ट वीकेंड में ये फाड़ने वाली है। एंड आज की भाई कुछ तस्वीरें अजय देवगन एंड साथ में रोहित शेट्टी भाई, उन्होंने सिंघम जो रिलीज है वो किया गया था, स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड किया भाई उन्होंने एंड ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि फैंस के बीच में फिल्म देखना प्लस सडनली अचानक से आ जाना, तो ये देखकर गाइस काफ़ी अच्छा लगा। ये तस्वीरें आप सभी के सामने, इवन अजय देवगन की बात करें भाई उनकी लुक की भाई, बंदे क्या फिटनेस लेवल है वो दिखाई दे रहा है, डे वाइज बंदा भाई यंग हो रहा है, क्या चल रहा है भाई ये, हम तो डे वाइज आगे जा रहे हैं बट हम यंग नहीं हो रहे हैं, इनका सेम भाई हाल चल रहा है जो अनिल कपूर का है भाई, बंदा चाहे एज जितनी मर्जी हो जाए बट डे वाइज भाई बंदा यंग दिख रहा है एंड सेम अजय देवगन फिटनेस लेवल देख रहे हैं एंड अपनी बॉडी के लिए बंदा कितना हार्डवर्क करता है ये आप सभी के सामने ही है। एज अ अजय देवगन काफ़ी उन्होंने अपना वेट है वो लॉस किया था अभी दे दे प्यार दे 2 के लिए एंड सरनाब सरदार 2 के लिए, जो कि इस लुक में हमें दिखाई भी दे रहे हैं एंड ये दोनों आप सभी के सामने ही है। इवन आप देखोगे रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन इनके पीछे बैकग्राउंड में जो पोस्टर लगा है जो कि अभी तक मेकर्स ने ये ऑफिशियली डिजिटली हमें नहीं दी है, क्या कर रहे हो भाई, ये पोस्टर हमें चाहिए और अभी तक यूनिफॉर्म वाला एक भी पोस्टर वो नहीं आया है अजय देवगन का एंड ये वाला पोस्टर जब भी मेकर्स भाई देंगे लिटरली गाइस फाड़ने वाला है एंड जितना हो सके भाई मेकर्स को जल्दी से ये पोस्टर है वो देना चाहिए, इवन अच्छा ऐसा प्रमोशन भी करना चाहिए और ये वाला पोस्टर एज अ ऑफलाइन अलग अलग प्लेसेस में लगाना चाहिए भाई। लेट्स सी कटआउट हमें ये देखने को मिलेगा, उम्मीद करते हैं एज अ मेकर्स की तरफ से, अभी तो ऑफिशियली भी नहीं दिया, सबसे पहले आई थिंक ये ऑफिशियली है वो देने वाले हैं। तो ये कुछ भाई सीन सिनेरियो है एज अ सिंघम अगेन की बात करें। अब मूव करते हैं यहाँ पे कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 क्या चल रहा है, यह सभी के सामने ही है मेरे भाई तस्वीरें, हैदराबाद दिल्ली इंदौर एंड यहाँ पे देखो मेरे भाई पब्लिक कितनी ज़्यादा आई है एंड पब्लिक के बीच में हमें कार्तिक आर्यन है वो दिखाई है वो दे रहे हैं और अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 का मेरे भाई वो प्रमोशन है वो कर रहे हैं एंड ऑडियंस भाई इतनी आई यहाँ पे एज अ पब्लिक की बात करें
तो इससे ये पता चलता है कि भूल भुलैया 3 कितनी बड़ी फिल्म है वो होने जा रही है, एंड आप भूल भुलैया 3 को लाइटली नहीं ले सकते। इवन दोनों फिल्मों की बात करें जो क्लैश हो रहा है, दोनों फ्रेंचाइजी हैं, फ्रेंचाइजी का दोनों का तीसरा पार्ट आ रहा है, तो आप किसी को भी भाई लाइटली है वो नहीं ले सकते। वो उसकी बात करें तो इवन भूल भुलैया 3 एक हॉरर फिल्म भी है, हॉरर कॉमेडी, और आज के टाइम आप देखोगे एज अ ट्रेंड जो चल रहा है हिंदी फिल्मों की बात करें तो हॉरर फिल्में काफ़ी अच्छा वर्क कर रही। इवन दिस ईयर की बात करें तो शैतान, मुंजिया, स्त्री 2 तीनों ने अच्छा खासा भाई बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन अप किया, जो कि चौथी फिल्म आ रही है अब भूल भुलैया 3, तो ये भी भाई अच्छा कलेक्शन है वो निकाल के जाएगी। एंड दूसरा है भाई अजय देवगन एज अ एक्शन, तो एक्शन फिल्में भी काफ़ी अच्छा वर्क किए हैं, क्योंकि ये कॉप यूनिवर्स की फिल्म है नो डाउट, और अच्छा ऐसा भाई कलेक्शन है वो निकालने वाले ये। तो कार्तिक आर्यन की फिल्म भाई बंदा प्रमोशन भी कर रहे हैं, हाँ हमें थोड़े पोस्टर वो कम दिखाई दे रहे हैं कंपैरिजन टू सिंघम 3, बट मेरे भाई प्रमोशन चल रहा है। एंड हाई मेरे भाई यहाँ पे भूल भुलैया 3 का भी अच्छा ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। इवन मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट की बात करें एज IMDB की, तो नंबर 1 पे ट्रेंड मेरे भाई भूल भुलैया 3 ही हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं रिलीज डेट की, भाई कमाल का यहाँ पे इशू चल रहा है। देखो मेकर्स ने दोनों की बात करें 1st of November ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो कर दी है कि वो फ्राइडे के दिन ही आने वाले हैं, बट यार लक्ष्मी पूजा कौन से दिन आ रही है? देखो आप अभी 15-20 दिन पहले देखोगे एज अ कैलेंडर तो फ्राइडे के दिन दिखा रहा था, बट अभी मैंने देखा यार 31st दिखा रहा है, सम 1st November दिखा रहा है, क्या चल रहा है ये? अभी 31st of October है या फिर 1st of November है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बट देखो अगर 31 को आती है लक्ष्मी पूजा तो फ्राइडे के दिन मेरे भाई धमाकेदार बिजनेस है वो आने वाला है, विच मीन्स कि इवनिंग एंड नाइट के शोज है वो भी स्ट्रांग जाएंगे। पूजा अगर 31 को ही रही तो पहले दिन फ्राइडे के दिन आराम से ये दोनों फिल्में भाई 70 करोड़ के आसपास नेट कमाई है वो कर सकती है। थोड़ा कैपेसिटी इशू होगा, देखो इन दोनों को छोड़ के भी शोज़ ऐसा तो नहीं है कि सभी इन्हीं दोनों को दिए जाएंगे, और भी कोई भाई रन है वो कर रहा होगा उस टाइम पे, तो 70 करोड़ के आसपास आराम से नेट है वो पकड़ सकते हैं बोथ फिल्मों का। देखो 70 आ रहा है नो डाउट, उस दिन भरा भरा जाएगा ऑल ओवर इंडिया की बात करें, बट तब भी भाई इंडस्ट्री को नुकसान ही है। क्यों? देखो अगर दोनों ये सोलो आती तो 50-60 ईजिली सिंघम अगेन सिंगल डे में नेट कमाई करती अपने ओपनिंग डे में, एंड भूल भुलैया 3 वो भी 50 करोड़ इवन इतना कुछ भाई कमाई है वो कर सकती है, जिस तरह आज के टाइम हॉरर फिल्में वर्क है वो कर रही हैं, तो इंडस्ट्री को नुकसान है चाहे 70 करोड़ आ जाए ओपनिंग डे में। चलो अभी क्या ही हम बोल सकते हैं इसके बारे में, क्लैश तो होगा ही, अभी तो सब कुछ, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, बस क्लैश होगा सो होगा, आप मेकर्स ने डिसाइड कर दिया तो अब भाई कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी कर लो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए